हवाओं का रुख बदल गया। फयाजुल हसन चौहान ने कप्तान को जकड़ लिया। मुनहरिफ कारकुन के अंदर का लावा फट गया। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। जी, शायर ने खूब शायरी की। सियासत भी कुछ ऐसा ही खेल है जिसमें कोई पास तो कोई फेल है। इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात की कश्ती बीच समुंदर हिचकोले खाती दिखाई दे रही है, जिस पर सवार सीनियर रहनुमा डोलती कश्ती को सहारा देने के बजाय कश्ती को बेसहारा छोड़कर छलांगे लगा रहे हैं। हाल ही में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने पीटीआई को छोड़ दिया, जिसके बाद फयाजुल हसन चौहान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। मुनहरिफ पीटीआई रहनुमा ने इंकशाफ किया कि इमरान खान को 9 मई के वाकयात पर कोई अफसोस नहीं था। इमरान खान 12 मई को रिहाई के बाद ज्यादा जारहाना मूड में थे। इमरान खान मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते थे। साबिक पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान की तरफ से धरने की काल के जवाब में मदरसों के बाहर एहतजाज का हुक्म दिया। इमरान खान का मदारिस पर एहतजाज मुल्क को खाना जंगी में धकेलने का मनसूबा था।